वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। से चलो गाइस आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। गाइस आज है मेरे स्कूल का फर्स्ट डे, लेकिन गाइस मैं आज स्कूल नहीं गया। गाइस मम्मा जी ने मेरे को भेजा नहीं स्कूल। मेरा काम तो गाइस सब कंप्लीट है, लेकिन फिर भी मम्मा जी ने मेरे को स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि मम्मा जी कह रहे थे कि स्कूल में फर्स्ट डे है तो इसलिए ज़्यादा काम नहीं होगा, इसीलिए नहीं भेजा मम्मा जी ने। और मैंने देखो क्या बनाया था, ये मेरा एक स्कूल में हॉलीडे होमवर्क मिला था मेरे को। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लाइट ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखो गाइस, ये मैंने लिखा है शॉर्ट नोट ऑन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताओ कैसा लग रहा है, ये मैंने खुद बनाया पूरा। बताओ कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताओ मेरे को। ये बनाया मैंने और भी बहुत कुछ बनाया। और अभी ये मेरी हिंदी हॉलीडे होमवर्क की कॉपी, इसमें गाइस मेरे को सुलेख लिखने थे, डेली गाइस सुलेख लिख रहे थे, वो मैंने लिख लिए। कंप्लीट हो गया मेरा इसका काम भी, ये सारे कंप्लीट हो गया गाइस। वो आज तो हम स्कूल ले गए। और गाइस ये देखो हमारा कॉप थोड़ा खाली खाली लग रहा होगा, क्योंकि गाइस आपको पता ही है कि हमारी जो टू फिशेज है उनकी डेथ हो गई गाइस। एक इस वजह से अभी हम लाएंगे इसके साथ की एक और फिश लानी थी, ताकि ये अच्छे से रह पाती। अभी ये गाइस बोरी रहती है वाली फिश। आज तो गुरु पूरब है और देखो सब सामान, ये देखो बैग वैग सब रखा हुआ था यहाँ पे। ये देखो पूछ सब निकाल के रखा हुआ था मैंने, और मेरे ड्रेस भी मम्मा जी ने प्रेस कर दी थी स्कूल, लेकिन गाइस मैं उठ ही नहीं पाया खुद से, नहीं तो गाइस मैं आज स्कूल चला जाता। 50 डेज बाद में अपने फ्रेंड से मिलता, लेकिन गाइस मैं नहीं पाया। कोई नहीं, अगले नेक्स्ट डे मिलेंगे गाइस, क्योंकि कल भी तो हमें स्कूल ही जाना है। तो कल संडे थोड़ी है, जाना ही है स्कूल हमें, तो कल मिल लेंगे। और आज इतने दिनों बाद गाइस मेरा मिलने का मन था फ्रेंड से, लेकिन मिल नहीं पाया मेरे को। गाइस बहुत ज़्यादा रात को एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं जल्दी उठूँगा। अभी मेरे को गाइस आदत नहीं है ना जल्दी उठने की, क्योंकि मैं लेट सो जाता रात को, इस वजह से उठ नहीं पाया मैं। लेकिन जल्दी ही सो जाता मैं, और कल मैं 12 बजे से पहले ही सो गया था गाइस, तो अब तब भी नहीं उठ पाया मैं। कोई नहीं, कल मिलेंगे गाइस, जाना तो है स्कूल हमें। आज मस्ती करते, कल भी करेंगे गाइस मस्ती, स्कूल में तो रोज ही मस्ती करते हैं गाइस। सो गाइस अभी मैं कर रहा हूँ अपना नाश्ता, और नाश्ते में है गाइस दूध, और ये गाइस मेरा बिस्किट, फेवरेट बिस्किट, तो चलो खाते हैं। गाइस आज है गुरु पूर्णिमा, तो जितने भी गुरु हैं उन सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गाइस अभी हम बर्गर किंग पे आए हैं, देखो यहाँ पे, और अभी डैडी हमारे लिए आइसक्रीम लेके आए हैं, और ये बन बर्गर किंग का देखो, और खाते हैं अपनी आइसक्रीम, इंजॉय करते हैं अपनी आइसक्रीम ग्राउंड के साथ। ये देखो यहाँ पे सीटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पे आप फोटो वोटो क्लिक भी कर सकते हो। देखो वो देखो वहाँ से ऑर्डर दे रहे हैं लोग सब, वो देखो आपको दिख रहा ही होगा। बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पे। हम बस फर्स्ट टाइम आए इस वाले बर्गर किंग में। किसी को भी यहाँ का एड्रेस चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपको बता दूँगा, मैं आपको बता दूँगा गाइस। जी ने क्राउन पहन लिया मेरा वाला, मम्मा जी ने पहन लिया, ये देखो क्राउन। लाइटिंग कम कर दी, एसी बंद कर दिया। The next day. गाइस अभी मैं हेयर कट करवा के आ गया हूँ,
ये देखो मेरा ऐसा हेयर कट है। और अभी मैं गाइज नहाने जा रहा हूँ, वो अभी नहा के आते हैं और आपको अच्छे से दिखाएंगे गाइज अपना ये न्यू हेयर कट। बताओ कैसा लग रहा है मेरा न्यू हेयर कट। ये देखो मैंने गाइज शॉर्ट करवा ली है, पहले बहुत लॉन्ग थे तो अब मैंने और शॉर्ट करवा ली है। बताओ कैसे इधर रहे, बिल्कुल ही गाइज मैंने छोटे करवा लिए अपने हेयर्स। और ये मेरे को गाइज थोड़ी ये वाला कट हेयर स्टाइल मेरे को अच्छा लग रहा था तो इसलिए गाइज मैंने करवा लिया। और छोटा छोटे हेयर्स का स्टाइल था तो इसलिए मम्मा जी ने मना भी नहीं करा। देखो बताओ कैसे लग रहा है मेरा हेयर स्टाइल। अभी करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग। ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना। सो बाय बाय गाइज।